डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। एक 7 करोड़ रुपए का कुछ मामला सामने आया है जिसमें दंपति गिरफ्तार किए गए। पूरा मामला क्या था और किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया था? ये एक एंटी फ्रॉड सेल के माध्यम से नवंबर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पति पत्नी और मैंने बैंक के किसी कर्मचारी के साथ मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है। उसमें इस तरह से था कि ये संपत्ति जो दंपति की थी, इस संपत्ति को ऑलरेडी इन्होंने एक बैंक से लोन ले रखा था 3.5 करोड़ का, फिर वही संपत्ति फर्जी कागजों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी और उस पर भी लोन करवा के वो लोन का पैसा भी इन्होंने ही ले लिया। तो कुल मिला के इन्होंने लगभग 5-5.5 लाख रुपया लिया और उसमें ब्याज समेत मिला के लगभग इस समय 7 करोड़ के आसपास देनदारी इन लोग की है। और इसमें इस दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसको कि फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर एक और रजिस्ट्री करवा दी गई, तो उसकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसमें जाँच हुई थी, उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो इसमें दोनों जो दंपत्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया।